नमस्कार मित्रों, वीडियो ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है क्रिया, जिसको अंग्रेजी में वर्ब भी कहते हैं। ये क्रिया शब्द क्रि धातु से बना है। क्रिया शब्द क्रि धातु, जो धातु संस्कृत में धातु होती है और हिंदी में ही क्रिया कहलाती है। तो क्रिया शब्द संस्कृत की क्रि धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है करना या होना, या तो करना या फिर होना। अर्थात किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाती है। किसी कार्य को कर दो या फिर अपने आप हो जाए, वो क्या होगी? क्रिया कहलाएगी। अर्थात क्रिया वह शब्द है जो वाक्य में पूर्णता लाती है, वाक्य को पूर्ण बनाने का कार्य करती है। एक वाक्य है, राम खाना खाता है। इसमें राम करता हुआ, खाना कर्म हुआ और खाता है क्रिया हुई। तो कोई भी वाक्य जो होगा वो क्रिया के बिना अधूरा है, तो किसी वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया का होना अत्यावश्यक है। तो क्रिया संस्कृत क्रि धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना या होना, जो वाक्य को क्या करती है? पूर्ण करती है। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। कोई पूछे कि धातु क्या होता है, तो धातु क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जब यही क्रिया मूल रूप में धातु कहलाती है, और जब इस मूल रूप के साथ हम ना प्रत्यय लगा देंगे, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? ना प्रत्यय लगाएंगे, तो ना प्रत्यय लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप निकल कर आएगा। जैसे मूल धातु क्या होती है? आ, चल, खा, पी, पढ़, लिख, कर, सोजा। आ, चल, खा, पी, पढ़, लिख, कर, सोजा, ये क्रिया का मूल रूप कहलाता है। लेकिन जब हम इस धातुओं के साथ, इन धातुओं के साथ ना प्रत्यय लगाएंगे, तो क्रिया का सामान्य रूप निकल कर आएगा। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, और इस मूल रूप के साथ हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया का कौन सा रूप निकल कर आएगा? सामान्य रूप निकल कर आएगा। जैसे आ से बना आना, चल से बना चलना, खा से बना खाना, पी से बना पीना, पढ़ना लिखना करना सोना जाना। तो क्रिया का मूल रूप धातु, और धातु के साथ हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया का सामान्य रूप निकल करके आएगा। अब ये क्रिया कैसे होती है? जैसे दो वाक्य लिख रहा हूं मैं, एक राम सो रहा है, एक तो क्या लिखा है? राम सो रहा है, और एक सीता खाना पका रही है। राम सो रहा है और सीता खाना पका रही है। राम सो रहा है, इसमें कर्ता आ गया, सो से बना सोना, तो ये भी क्रिया, रह से बना रहना, तो ये दोनों क्रिया है, कर्ता और दोनों क्या बनी? क्रिया बनी, ठीक है। अब इसमें देखो, सीता क्या रहेगी? कर्ता, खाना कर्म रहेगा, और पका से पकाना बन गया, रह से रहना बन गया, तो ये क्या बन गई? क्रिया बन गई। तो एक वाक्य में तो क्या आया? कर्ता और क्रिया आई, और दूसरी वाक्य में क्या आया? कर्ता भी आया, कर्म भी आया और क्रिया भी आया। तो इस प्रकार कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की? दो प्रकार की। क्रिया के प्रकार देखिए, क्रिया के प्रकार हुए दो, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने हुए? दो। एक हो गई अकर्मक क्रिया, एक क्रिया कौन सी? अकर्मक क्रिया। दूसरी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्रिया समझ में आ गया? कर्म और उसके प्रकार की,
कितने होंगे? दो। कर्म के आधार पर एक अकर्मक क्रिया बन गई, दूसरी कौन सी बन गई? सकर्मक बन गई। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्म की। अ का मतलब होता नहीं, कर्म के, जिसमें कर्म नहीं पाया जाए, अर्थात वह वाक्य जिसमें कर्म की उपस्थिति न हो वह कौन सी क्रिया? अकर्म क्रिया। तो देखिए, जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, अर्थात जब किसी वाक्य में कर्ता हो और दूसरी उसके सामने क्रिया हो, कर्ता और क्रिया हो, और कर्ता और क्रिया होने पर कर्ता क्रिया से तीन प्रश्न करे, कर्ता क्रिया से तीन प्रश्न करे, क्या, किसे और किसको। जब किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया हो और कर्ता क्रिया से तीन प्रश्न करे, पहला क्या करे, दूसरा किसे, और तीसरा किसको। यदि कर्ता क्रिया से तीन प्रश्न करेगा, इन तीनों प्रश्नों को करने से यदि उत्तर की प्राप्ति होती है तो अकर्म क्रिया नहीं होगी, वो कौन सी हो जाएगी? सकर्म क्रिया। तो उत्तर की प्राप्ति न होने पर अकर्म क्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े, अर्थात जिसमें कर्म की अनुपस्थिति हो, कर्म का अभाव हो, वहां पर अकर्म क्रिया होती है। जैसे राम हंस रहा है, राम हंस रहा है, राम सो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, राम सो रहा है, राम हंस रहा है, सीता लजा रही है। अब ये दो वाक्य देख लीजिए, इसमें कर्ता राम हो गया, हंस से हंसना बन गया, रह से रहना बन गया, तो राम कर्ता हो गया और हंसना और रहना क्रिया हो गई। अब हम कर्ता के रूप में क्रिया से तीन प्रश्न करेंगे, राम क्या हंस रहा है, उत्तर की प्राप्ति हो रही है? नहीं हो रही। राम क्या हंस रहा है? कोई उत्तर नहीं है। राम किसे हंस रहा है? कोई उत्तर हमारे सामने लिखा हुआ नहीं है। राम किसको हंस रहा है? किसी भी प्रकार की उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही। जब किसी भी प्रकार की उत्तर की प्राप्ति नहीं होगी तो क्रिया कौन सी बनेगी? अकर्म क्रिया। फिर दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, राम सो रहा है, राम कर्ता हो गया, सो से सोना बन गया, रह से क्या बन गया? रहना। तो राम क्रिया से प्रश्न करेगा, सोने से और रहने से क्रिया प्रश्न करेगा कि राम क्या सो रहा है, राम किसे सो रहा है और राम किसको सो रहा है। उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई, उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई तो क्रिया कौन सी बनी? अपनी अकर्मक क्रिया। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, राधा, इधर देखिए, राधा जयपुर जा रही है। अब देखने से तो लग रहा है कि इसमें कर्म है, लेकिन कर्म की प्राप्ति नहीं है। जयपुर अपने आप में स्थाई चीज है और स्थाई चीज के लिए कभी कर्म नहीं किया जाता। तो राधा जयपुर क्या जा रही है, राधा जयपुर किसे जा रही है और राधा जयपुर किसको जा रही है, तीनों प्रश्न करने पर किसी भी उत्तर की प्राप्ति नहीं होती। जब उत्तर की प्राप्ति नहीं होगी तो अपनी क्रिया कौन सी रहेगी? अकर्मक क्रिया। अब यह अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। अकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। देखिए दो प्रकार कौन कौन से हैं? दो प्रकार अपने आएंगे। एक पहला पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्म क्रिया, और दूसरा आता है अपूर्ण अकर्म क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्म क्रिया किसे कहते हैं? कि जब किसी वाक्य में क्रिया को अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए, जब किसी वाक्य में क्रिया को अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता न पड़े, कौन से शब्द की? पूरक शब्द की आवश्यकता न हो, तो वहां पर पूर्ण अकर्म क्रिया होती है। अर्थात पूरक शब्द के बिना भी वाक्य अपना पूरा अर्थ देगा, वो क्रिया कौन सी कहलाएगी? पूर्ण अकर्म क्रिया। जैसे राम
जयपुर जा रहा है। ध्यान से देखना, राम जयपुर जा रहा है, राधा रो रही है, श्याम आजकल कक्षा 10 में पढ़ रहा है, श्याम आजकल कक्षा 10 में पढ़ रहा है, आकाश में चिड़ियां उड़ रही है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, अभी ये सारे के सारे वाक्य अपने आप में पूर्ण है, इनमें किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं हो रही। राम जयपुर जा रहा है, अपने आप में वाक्य पूरा है। राधा सो रही है या रो रही है, एक ही बात है, क्योंकि रोना सोना, सो से सोना बनता है, रो से रोना बनता है, तो राधा रो रही है, यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। मैं पूछूंगी भाई राधा क्या कर रही है, तो तुम कहोगे कि राधा रो रही है। मैं पूछूंगा राम कहां जा रहा है या क्या जा रहा है, उत्तर की प्राप्ति तो नहीं हो रही, लेकिन जा रहा है क्रिया जरूर कर रहा है, जा रहा है क्रिया कर रहा है, तो अपने आप में इसको पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तुम्हारे जहन में यह आ रहा होगा कि पूरक शब्द होता क्या है, तो पूरक शब्द या तो संज्ञा हो सकती है या फिर विशेषण हो सकता है, या तो संज्ञा या फिर विशेषण, ये पूरक शब्द होते हैं। तो यहां पर किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं है किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए। श्याम आजकल कक्षा 10 में पढ़ रहा है, यह भी अपने आप में अकर्म क्रिया है। ये मत देख लेना कि इतना बड़ा वाक्य है तो इसमें कर्म कहीं ना कहीं होगा, इसमें कर्म नहीं है, केवल क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। श्याम आजकल कक्षा 10 में क्या पढ़ रहा है, किसी भी प्रकार के उत्तर की प्राप्ति नहीं है। आकाश में चिड़िया क्या उड़ रही है, किसी भी उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही। तो यहां पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं हो रही, इसलिए सारे के सारे जो वाक्य हैं वो अपने पूर्ण अकर्म क्रिया के हैं। अब दूसरा देखिए, अपूर्ण अकर्म क्रिया क्या होती है। अपूर्ण अकर्म क्रिया में क्रिया को अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए पूरक शब्द की आवश्यकता होगी। इसमें पूरक शब्द के बिना भी वाक्य पूरा हो रहा है, लेकिन इस अपूर्ण अकर्म क्रिया में वाक्य को पूरा करने के लिए पूरक शब्द की हमको आवश्यकता पड़ेगी। कैसे, देखिए, राम बहुत निकला, राम बहुत निकला, यहां पर हमने खालिस्तान छोड़ दिया, एक स्पेस दे दिया, राम बहुत निकला। अब राम बहुत निकला, निकला से निकलना क्रिया बन गई, लेकिन अब यहां पर हम पूरक शब्द रखेंगे। क्या रख सकते हैं, बहुत चतुर निकला, ठीक है, बहुत बेईमान निकला, बहुत ईमानदार निकला, समझदार निकला, लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, या तो ये विशेषण होगा या क्या होगा, संज्ञा होगी। तो बहुत ही बड़ा डॉक्टर या चिकित्सक निकला, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ा चोर निकला। तो ये शब्द सारे के सारे क्या हैं, पूरक शब्द हैं, सारे के सारे क्या हैं, पूरक शब्द हैं। तो पूरक के बिना ये वाक्य अधूरा है, जब हम पूरक शब्द लगाएंगे तभी वाक्य अपना क्या होगा, पूर्ण बनेगा। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया के लिए पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। तो अकर्मक क्रिया कितने प्रकार की, पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया में पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अपूर्ण अकर्मक क्रिया में पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। अब थोड़ा सा इस पूर्ण अकर्मक क्रिया के अंदर जाएं तो इसमें दो पार्ट बनते हैं, कौन कौन से, एक तो स्थिति को बताने के, एक तो स्थिति को बताने के लिए और दूसरा गति को बताने के लिए। अपूर्ण अकर्मक क्रिया अलग हो गई, पूर्ण अकर्मक क्रिया जिसको पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती, इसके फिर से दो प्रकार उपभेद किए जाते हैं। एक तो होता है अपना स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया, और दूसरा आता है अपना, इसको ऐसे कर लीजिए, और दूसरा होता है अपना गत्यर्थक
गत्यर्थक पूर्ण अकर्म क्रिया। ठीक है, स्थित्यर्थक का मतलब होता है स्थिति को बताना, स्थिति को बताना। स्थिति में दशा भी हो सकती है, अवस्था भी हो सकती है, दशा भी हो सकती है, अवस्था भी हो सकती है। अब इसमें जो मैं वाक्य बताऊंगा वो सारे के सारे स्थिति को बताएगा। जैसे श्याम हंस रहा है, श्याम हंस रहा है, राधा रो रही है। राधा कौन सी अवस्था में है, कौन सी दशा में है, रोने की दशा में। श्याम कौन सी दशा में है, कौन सी अवस्था में है, हंसने की अवस्था में। तो श्याम हंस रहा है, यह स्थिति को बता रहा है। दूसरी बात, राधा रो रही है, यह भी राधा की स्थिति को बता रहा है। तो ये राम का हंसना रोना, साथ में क्या सोना, ये सारी स्थिति को बता रहा है। गत्यर्थक क्रिया में इंसान गतिमान होता है, व्यक्ति गतिमान होता है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है, चिड़िया गतिमान हो रही है, चिड़िया गतिमान हो रही है, तो कौन सी स्थिति को बता रही है, गत्यर्थक क्रिया को बता रही है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, श्याम जयपुर जा रहा है, श्याम अपने स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है, किसको बता रहा है, गति को बता रहा है। तो यही दो चीज पूर्ण अकर्मक क्रिया में, स्थिति को बता रही है एक चीज तो, और दूसरी किसको बता रही है, गति को बता रही है। स्थिति को बताए वो स्थितार्थक क्रिया पूर्ण अकर्मक क्रिया, और गति को बताए वो गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में मैंने पहले बता दिया कि इसको पूर्ण अर्थ देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूरक शब्द की। और पूरक शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा या विशेषण, जिसमें राम बहुत निकला। दूसरा सेंटेंस और देता हूं, राम आजकल है, राम आजकल है, राम आजकल है। यहां पर हम कोई सा भी शब्द ले सकते हैं। राम आजकल है, बीमार है, राम आजकल क्या है, बीमार है। राम आजकल स्वस्थ है, दे सकते हैं, कोई सा भी दे दें, ये बीमार स्वस्थ। दूसरी बात वो लिख दो, राम आजकल बहुत क्या है, आरामदायक, आरामदायक है। या फिर इसको ऐसा नहीं लिख करके हम और दे दें कि राम आजकल बिल्कुल बिजी है, बिल्कुल क्या हो रहा है, व्यस्त है। तो ये क्या है, पूर्ण अर्थ देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, हमें पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ी। तो अकर्मक क्रिया कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया में दो पार्ट होते हैं, स्थितार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। दूसरा पॉइंट कौन सा आता है अपना, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इसको पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, और पूरक शब्द या तो संज्ञा होगा या फिर क्या होगा, विशेषण होगा। अकर्मक क्रिया का अपना टॉपिक खत्म हुआ। दूसरा टॉपिक आता है अपना कौन सा, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, सकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म का होना आवश्यक है, किसका होना आवश्यक है, कर्म का, सकर्मक। देखो शब्द से ही पता चल रहा है, सकर्म, स का मतलब होता है साथ, किसके, कर्म के। तो सकर्म के अर्थात कर्म के साथ, जो क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त हो वो कौन सी कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। परिभाषा देखिए, जब किसी वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, जब किसी वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़के, देखो किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया, तीन बातें होना जरूरी है। तो जब किसी वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़े बल्कि किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, जब कर्म पर पड़ेगा तो कर्म पर पड़ने पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो क्रिया कौन सी बनेगी, सकर्म क्रिया, क्योंकि यहां पर कर्ता गौण हो गया है, यहां पर कर्ता क्या बन गया है, गौण बन गया है, कर्म क्या बन गया है, मुख्य बन गया। जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, और कर्म नहीं होने पर क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, और कर्ता पर पड़ेगा तो कर्ता क्या बन जाएगा अकर्मक क्रिया में, मुख्य बन जाएगा। लेकिन यहां पर क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ रहा, कर्म पर पड़ रहा है, और कर्म पर पड़ने की वजह से कर्ता गौण हो गया और कर्म क्या बन गया, मुख्य बन गया।
तो जब किसी वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़ के उसके किए हुए कर्म पर पड़े तो वह कर्म पड़ने पर कर्म के आधार पर वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब ये सकर्मक क्रिया क्या होती है, वाक्य देख लीजिए, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम तो देखिए कर्ता ही है, कार्य करने वाला कौन है, राम है। अब पढ़ से क्या बना, पढ़ना, मैंने बताया था कि मूल धातु में जब हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया का कौन सा रूप निकल कर आएगा, सामान्य रूप निकल कर आएगा। तो पढ़ में लगाओ ना प्रत्यय, पढ़ से पढ़ना बन गया, रह से रहना बन गया। तो ये दोनों क्रिया है, राम कर्ता हो गया, राम कर्ता हो गया, पढ़ना और रहना दोनों क्या बन गई, क्रिया बन गई। अब पुस्तक शब्द है वो कर्म है, वो क्या है, कर्म है, पुस्तक कर्म हो गया। तो राम कर्ता, पुस्तक कर्म और पढ़ रहा है क्रिया। अब हम प्रश्न कितने करेंगे, तीन करेंगे। पहले बता दिया क्या, किसे और किसको, तीन प्रश्न कर लीजिए, कर्ता क्रिया से तीन प्रश्न करेगा, तीन प्रश्न करने पर यदि उत्तर की प्राप्ति हुई तो सकर्मक क्रिया, और यदि उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई तो कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। राम क्या पढ़ रहा है, उत्तर की प्राप्ति आएगी पुस्तक। राम किसे पढ़ रहा है, उत्तर की प्राप्ति आएगी किसको। राम किसको पढ़ रहा है, उत्तर की प्राप्ति आएगी पुस्तक। तो जब वाक्य में कर्म उपस्थित हो जाए और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़ के उसके कर्म पर पड़े तो वहां पर क्रिया कौन सी आएगी, सकर्मक क्रिया। ऐसा एक सेंटेंस और देख लीजिए, माली फूल तोड़ रहा है, माली फूल तोड़ रहा है, वाक्य देख लीजिए, माली फूल तोड़ रहा है, कर्ता माली हो गया, कर्म फूल हो गया, तोड़ से तोड़ना बन गया, तो तोड़ना क्रिया हो गई, वैसे रहना बन गया। तो माली क्या तोड़ रहा है, फूल, माली किसे तोड़ रहा है, फूल को, माली किसको तोड़ रहा है, फूल को। तो यहां पर भी क्रिया कौन सी हो रही है, सकर्मक क्रिया। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सचिन क्रिकेट खेलता था, खेलना बंद कर दिया है, खेलता था। अब देख लीजिए इसमें भी वही बात आएगी, सचिन कर्ता हो गया, क्रिकेट उसका कर्म हो गया और खेल से खेलना बन गया, अब खेलना क्रिया हो गई। तो सचिन क्या खेलता था, क्रिकेट, सचिन किसे खेलता था, क्रिकेट को, सचिन किसको खेलता था, क्रिकेट को। तो यहां पर यहां पर कर्म आ गया, यहां पर कर्म आ गया और यहां पर क्या आ गया, कर्म आ गया। तो कर्म आने की वजह से अपनी क्रिया कौन सी बनेगी, सकर्मक क्रिया। अब यह सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, जैसे हमने अकर्मक क्रिया को देखा था कि पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया, उसी प्रकार सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। कैसे होती है, कौन कौन सी होती है, वो होती है पहली एक तो पूर्ण सकर्मक क्रिया, एक तो कौन सी, पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया, और दूसरी अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए पूर्ण सकर्मक क्रिया, बात वही आएगी, पूर्ण सकर्मक क्रिया के लिए किसी भी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वाक्य को अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए जब किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं हो, किसकी, पूरक ये रहित और ये आ जाएगा पूरक सहित, पूरक रहित पूरक के बिना और पूरक सहित पूरक के साथ में। तो जब किसी वाक्य को अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं रहेगी तो वह सकर्मक क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अब राम खाना खा रहा है तो राम खाना खा रहा है, वाक्य को देख लीजिए, राम कर्ता हो गया, खाना कर्म हो गया, और खा से खाना, फिर बात वही आएगी, और ऐसे रहना, ये क्या आ गया, दोनों क्रिया आ गई। तो ये वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, राम क्या खा रहा है, खाना, राम किसे खा रहा है, खाने को, राम किसको खा रहा है, खाने को। सीता नृत्य कर रही है, सीता नृत्य
कर रही है, सीता नृत्य कर रही है। सीता क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। सीता किसे कर रही है? नृत्य को कर रही है। सीता किसको कर रही है? नृत्य को कर रही है। देखो थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन वाक्य अपने कर्म के साथ है, तो कर्म के साथ है तो क्रिया कौन सी बनेगी? सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया को नाम देंगे हम, जिसमें पूरक शब्द की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी है, वो बनेगी पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब ये पूर्ण सकर्मक क्रिया दो प्रकार की फिर से होती है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक क्रिया के फिर से दो उपभेद होते हैं। दो भेद उपभेद कौन से होंगे? एक तो होगा, एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया। और दूसरा द्विकर्मक, द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिए, एक कर्मक जिसमें एक कर्म की पुष्टि हो, जिसमें एक कर्म पाया जाए, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म पाए जाए। तो एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। तो जब किसी वाक्य में, जब किसी पूर्ण सकर्मक क्रिया के वाक्य में केवल एक ही कर्म की प्राप्ति हो, कितने कर्म की प्राप्ति हो? एक ही कर्म की प्राप्ति हो, और एक ही कर्म की प्राप्ति हो, तो वहां पर एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। हमने जितने भी अभी वाक्य देखे थे वो सारे के सारे एक कर्म वाले थे। जैसे राम कबड्डी खेल रहा है, कबड्डी खेलता है, राम कबड्डी खेलता है। अब राम कबड्डी खेलता है, क्या खेलता है? कबड्डी खेलता है। तो कबड्डी अपने आप में एक कर्म है। राम कबड्डी खेलता है तो कबड्डी अपने आप में कौन सा कर्म है? एक ही कर्म। यहां पर किसी दूसरे कर्म की प्राप्ति नहीं हो रही। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, गाना गा रही है, सीता क्या गा रही है? गाना। तो इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा इसका। सीता किसको गा रही है? गाने को गा रही है। सीता किसको गा रही है? गाने। तो तीनों प्रश्न के उत्तर केवल एक ही क्रम को संबोधित करेंगे, मतलब यहां पर केवल एक ही क्रम की पुष्टि हुई है, एक ही क्रम की प्राप्ति हुई है। तो यहां पर एक क्रम आया तो कौन सी क्रिया बन गई? पूर्ण एकर्मक क्रिया। ऐसे देखा जाए तो दूसरा वाक्य और देख लेते हैं। सीता कपड़े धो रही है, कपड़े धो रही है, सीता कपड़े धो, क्या धो रही है? कपड़े धो रही है। तो यहां पर भी एक ही कर्म आया, एक कर्म आया तो एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखिए द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो जब किसी पूर्ण सकर्मक क्रिया को अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए दो कर्म की आवश्यकता पड़े, कितने कर्मों की? दो कर्मों की आवश्यकता पड़े, तो दो कर्मों की आवश्यकता पड़ने पर वहां पर पूर्ण सकर्मक क्रिया तो होगी होगी, लेकिन कर्म कितने आ जाएंगे उसमें? द्विकर्म आ जाएंगे, दो कर्म आ जाएंगे। तो वाक्य देखिए इसके कैसे बनेंगे। वाक्य इसके बनेंगे, अध्यापक छात्रों को, अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसमें तीन कर्म, सॉरी माफ करना, द्विकर्म में दो कर्म निकल कर आएंगे, लेकिन प्रश्न हम तीन करेंगे। कर्ता कौन है? अध्यापक। अध्यापक कर्ता है और पढ़ा रहे हैं क्रिया है। अध्यापक कर्ता आ गया और पढ़ा रहे हैं क्या आ गई? क्रिया आ गई। अध्यापक जो करता है वो क्रिया से तीन प्रश्न करेगा, पहला प्रश्न क्या, दूसरा प्रश्न किसे, और तीसरा प्रश्न किसको, क्या किसे और किसको। अब तीनों से तीन उत्तर तो नहीं आएंगे, लेकिन दो उत्तर जरूर हमको प्राप्त होंगे। अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, तो पहला उत्तर हमको प्राप्त हो गया पुस्तक। अध्यापक किसे पढ़ा रहे हैं,
छात्रों को पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को। तो हमको कौन सा कर्म मिल गया? दूसरा कर्म मिल गया। पहला कर्म और दूसरा कर्म। पहला कर्म निर्जीव कर्म है, दूसरा जो कर्म निकल कर आया वो सजीव कर्म है। अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं? पुस्तक पढ़ा रहे हैं। पहले उत्तर की पुष्टि हो गई। अध्यापक किसे और किसको पढ़ा रहे हैं? तो दोनों को मिलाने से, दोनों से प्रश्न करने पर एक ही उत्तर की प्राप्ति होगी, वो आएगा छात्र। अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं, दो कर्म आए, पहला पुस्तक और दूसरा छात्रों को। तो यहां पर दो कर्म की प्राप्ति हुई, तो कौन सी क्रिया बन गई? द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। ऐसे दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, अपना दूसरा सेंटेंस है, नानी बच्चों को कहानी सुना रही है। नानी बच्चों को कहानी सुना रही है। अब इसमें भी दो कर्म है, कर्ता नानी है और सुना से सुनाना और रह से रहना क्रिया आ गई। नानी क्या सुना रही है? तो पहला कर्म आया निर्जीव। ध्यान दीजिए, यहां पर गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देख लीजिए, नानी क्या सुना रही है? कहानी। कहानी अपने आप में निर्जीव है, नानी है तो कहानी सुनाई गई है, नानी नहीं होती तो कहानी नहीं सुनाई जाती। तो नानी क्या सुना रही है? कहानी। कहानी अपने आप में निर्जीव है, पहला कर्म आ गया। दूसरा कर्म क्या निकल कर आता है? नानी किसे सुना रही है? बच्चों को। नानी किसको सुना रही है? बच्चों को। तो यहां पर पहला कर्म निर्जीव आया और दूसरा कर्म है सजीव आया। ध्यान दीजिए, क्या प्रश्न अधिकांशतः निर्जीव ही उत्तर लेकर आता है। क्या प्रश्न करने पर अधिकांशतः, पूर्णतः नहीं होता, अधिकांशतः निर्जीव ही कर्म होता है। और किसे और किसको? तो सजीव आएगा ही आएगा। देखिए दूसरा वाक्य और दे देता हूं, नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। नौकर कुत्ते को क्या पिलाता है? दूध पिलाता है। क्या पिलाता है? दूध। यहां पर भी निर्जीव आया, यहां पर भी निर्जीव आया, यहां दोनों जगह निर्जीव आया अधिकांशत है। तो दूध निर्जीव आया, क्या प्रश्न करने पर आया? नौकर क्या पिलाता है? दूध। किसे पिलाता है? कुत्ते को। किसको पिलाता है? कुत्ते को। तो किसे और किसको प्रश्न करने पर क्या आएगा? द्विसकर्मक क्रिया में सजीव आएगा। और क्या प्रश्न करने पर निर्जीव कर्म की प्राप्ति होती है। अब मैंने ये कहा कि पूर्णतः नहीं होता, इसका मतलब ऐसा कोई वाक्य तो हो सकता है कि क्या प्रश्न करने पर भी हमको सजीव कर्म की प्राप्ति हो। तो वो प्रश्न का उत्तर क्या निकल कर आएगा वो देखिए। राम ने पुलिस को चोर पकड़वाया। राम ने पुलिस को चोर पकड़वाया या चोर पकड़ा दिया। अब राम ने क्या पकड़वाया? चोर। अब यहां पर चोर जो आया है वो सजीव कर्म आया है। वो कौन सा कर्म आया है? सजीव। सजीव कर्म आया, इसका मतलब निर्जीव तो नहीं आया। अधिकांशतः आ सकता, अधिकांशतः निर्जीव आता है, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्या प्रश्न करने पर भी द्विसकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न करने पर भी सजीव कर्म की प्राप्ति होती है। अब आगे देखिए, राम ने किसे पकड़वाया? पुलिस को। राम ने किसको पकड़वाया? पुलिस को। तो क्या और किसे और किसको प्रश्न करने पर दोनों रूपों में दोनों ही सजीव कर्म निकल करके आए हैं। एक कर्म क्रिया में सजीव कर्म भी हो सकता है, निर्जीव कर्म भी हो सकता है, लेकिन द्विसकर्मक क्रिया में जो दो कर्म वाली होती है उसमें अधिकांशतः क्या प्रश्न करने पर निर्जीव कर्म की प्राप्ति होती है और किसी और किसको प्रश्न करने पर सजीव कर्म की प्राप्ति होती है। अब ये सजीव कर्म और निर्जीव कर्म को किस किस रूप में देखते हैं? द्विसकर्मक क्रिया में जो दो कर्म निकल कर आते हैं उसमें जब क्या प्रश्न करेंगे, कौन सा प्रश्न करेंगे, क्या प्रश्न करेंगे, तो क्या प्रश्न करने पर निर्जीव कर्म की जो प्राप्ति होती है, निर्जीव
कर्म की जो प्राप्ति होती है वो निर्जीव कर्म जो होता है वो मुख्य कर्म कहलाता है। कौन सा कर्म कहलाता है? मुख्य कर्म कहलाता है। और इस मुख्य कर्म को ही दूसरा नाम देते हैं प्रत्यक्ष कर्म। कौन सा नाम देते हैं? प्रत्यक्ष कर्म, ठीक है। लेकिन किसे और किसको प्रसन्न करने पर, किसे और किसको प्रसन्न करने पर सजीव कर्म की प्राप्ति होती है? कौन से कर्म की? सजीव कर्म की। अब सजीव कर्म आएगा तो वो मुख्य कर्म तो नहीं होगा, वो कौन सा कर्म होगा? गौण कर्म होगा। कौन सा कर्म? गौण कर्म होगा। और प्रत्यक्ष कर्म न हो करके अप्रत्यक्ष कर्म होगा, अप्रत्यक्ष कर्म होगा। ध्यान दीजिए, क्या प्रश्न करने पर निर्जीव कर्म की प्राप्ति होती है और निर्जीव कर्म की प्राप्ति मुख्य कर्म कहलाती है, प्रत्यक्ष कर्म कहलाती है। साथ में किसे और किसको प्रश्न करने पर, किसे और किसको प्रश्न करने पर सजीव कर्म की प्राप्ति होती है, लेकिन सजीव कर्म गौण कर्म होगा, अप्रत्यक्ष कर्म होगा। क्लियर। अब अपना दूसरा टॉपिक आता है सकर्मक क्रिया का, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब अपूर्ण सकर्मक क्रिया में हमको पूरक की आवश्यकता पड़ेगी। पूरक शब्द वही जिसको संज्ञा नाम भी दे सकते हैं और विशेषण नाम भी दे सकते हैं। इस संज्ञा और विशेषण के बिना यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया अपनी अधूरी होती है, यह पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करती। तो जब किसी वाक्य में क्रिया को या सकर्मक क्रिया को अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़े तो वहां अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। अब अपूर्ण सकर्मक क्रिया के उदाहरण देख लीजिए। रंगरेज ने कपड़े को रंगा, रंगरेज ने कपड़े को रंगा। वाक्य अपना है रंगरेज ने कपड़े को रंगा। अब मैं प्रश्न करूंगा, वही कर्ता रंगरेज हुआ, क्रिया रंगना होगी। रंगरेज ने क्या रंगा? कपड़ा रंगा। अब उत्तर तो प्राप्त हो रहा है लेकिन वो उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा जिससे हमको पूर्ण संतुष्टि प्राप्ति हो जाए, पूर्ण संतुष्ट हम हो जाए, वो उत्तर हमको प्राप्त नहीं हो रहा। रंगरेज ने किसको रंगा? कपड़े को रंगा। रंगरेज ने किसे रंगा? कपड़े को रंगा। लेकिन कपड़ा कौन से रंग में रंगा गया ये हमको पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हुआ। तो रंगरेज ने कपड़े को लाल रंगा, पीला रंगा, हरा रंगा, जैसा भी रंगा, ये शब्द क्या कहलाएंगे? पूरक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। राम हमें, दूसरा सेंटेंस देखिए, राम हमें बड़ा होकर बनकर दिखाएगा, बनकर दिखाएगा। अब मैं प्रश्न करूं, वही कर्ता राम क्या दिखाएगा? बड़ा बनकर दिखाएगा, या हमको कुछ भी बनकर दिखाएगा, बनकर दिखाएगा। चोर बनेगा, डाकू बनेगा, लुटेरा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बड़ा इंसान बनेगा, विद्वान बनेगा, क्या बनेगा ये यहां पर लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है मतलब ना तो संज्ञा है और ना ही विशेषण है। जो संज्ञा और विशेषण आएगा, अब बड़ा होकर डॉक्टर बनकर दिखाएगा लिख दिया, तो डॉक्टर अपने आप में संज्ञा है, हो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन है तो कुछ, संज्ञा है या विशेषण है, कुछ तो है। तो ये विशेषण हो या संज्ञा हो ये अपने आप में क्या कहलाता है? पूरक शब्द कहलाता है। तो राम हमें क्या बनकर दिखाएगा? डॉक्टर बनकर दिखाएगा। मैं प्रश्न करूंगी, वह राम हमें क्या बनकर दिखाएगा? तो तुम जस्ट जो हमको उत्तर दोगे कि हमको डॉक्टर बनकर दिखाएगा, मैं अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हो जाऊंगा कि वास्तव में सही बात कह रहा है कि राम क्या बनकर दिखाएगा? डॉक्टर बनकर ही दिखाएगा। तो डॉक्टर अपने आप में कौन सा? पूरक शब्द होगा, ठीक है। सुरेश हमें समझता है, सुरेश हमें समझता है। अब हमें समझता है, कुछ भी समझ सकता है, हमको विद्वान समझता है, हमको ईमानदार समझता है, हमको चोर समझता है, हमको बेईमान समझता है, हमको डाकू लुटेरा समझता है, कुछ तो समझता है। सुरेश हमको समझता है या हमें समझता है, ये जो भी आएगा वो पूरक शब्द
आएगा। तो इस प्रकार सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की, पूर्ण सकर्मक क्रिया जिसको पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती, दूसरी अपूर्ण सकर्मक क्रिया जिसको अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। पूर्ण सकर्मक क्रिया हमने दो पाठ किए थे, जिसमें एक कर्म हो वो एककर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें दो कर्म की प्राप्ति हो वो पूर्ण द्विसकर्मक क्रिया होती है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया को पूरा करने के लिए किसी संज्ञा विशेषण की आवश्यकता होती है। और यहीं पर अपने क्रिया शब्द का एक टॉपिक खत्म होता है।